This has been done up by my opinion. In the sword of the Mustafa'in. Sadaqa Allah, Mawlana Razim. Wa sadaqa Rasulullah al-Nabiyyul Kareemul Ameen. Balaghal ula bi kamalihi. Kashafat uja bi jamalihi. Asumat jamiyo bi saadihi. हर नमाज की हर रकात में हम दुआ करते हैं ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दे। हालांकि जब हम नमाज पढ़ रहे हो चाहे अपने घर में तो पढ़ो और अगर मस्जिद में पढ़ रहा या फिर घर में नबी में पढ़ रहा या फिर घर में काबा में पढ़ रहा तो जाहिर है रूह पाक लिबास पाक हरम पाक जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं जिसके लिए पढ़ रहे हैं जिसकी अदाओं में पढ़ रहे हैं हर तरफ पाकीज़गी और तहारत है। ऐसे आलम में हमें अल्लाह फरमाता है जब आई गए पाक साफ तो फिर आज मुझसे रोटी का सवाल न करना कपड़े की बात न करना मकान की बात न करना इस सब कुछ को बिन मांगे मैंने तुम्हें अदा कर जब आई गए हो मेरे साथ लौ लगाई नहीं है तो आज मुझसे तुमने सीधा रास्ता माना है। और कुरान पाक की बेहतरीन तफसीर वो है जो खुद कुरान करे तो जब ये फरमाया ना कि ये दुआ मांगो लोगों को दुआ की समझ नहीं तो मांगना क्या है अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें सिखा اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے تو ساتھ اس کی تفسیر بھی خود فرما دی کہ سیدھا راستہ وہ ہے کیا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جو آج آپ حضرت سلطان قاضی کی محبت کا دم بھر رہے ہیں حضور غوث پاک کی محبت میں یاریاں کرتے ہیں یہ جو آپ اللہ والوں سے اپنا تعلق کی محبت ظاہر کرتے ہیں بیعت ہوتے ہیں اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں یہی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے کو اللہ نے سیدھا راستہ کرا دیا اور جن کو انعام یافتگان کہا ہے اب دیکھیں اصول یہ ہے انعام کسی کامیابی پہ بات نصیب ہوتا ہے اور کامیابی نظر آتی ہے آپ کوئی امتحان دے رہے ہیں آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا جائے گا آپ کے لیے انعام کا اعلان کیا جائے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں روزہ آپ نے رکھا ہوا اور باہر کوئی راہ مدد نے وہ پکڑے اور کہے بھائی یہ آج کا انعام تو سارے نہیں تو انعام اس کو دیا جاتا ہے یہ اس پروسس سے گزرتا ہے تو مولا یہ کون لوگ ہیں جو انعام یا افغان ہیں تو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے فرمایا یہ ہیں یہ نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ وصدیقین اور جو کمی والے کی صحبت والے ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ وشہداء اور جو جان کی بازی لگا دے اللہ کی محبت میں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے وصالحین اور وہ لوگ چاہے وہ قیامت کی صبح تک کے آنے والے ہیں تو تمام لوگ جنہوں نے بظاہر کم
चमड़ी वाले आका का दौर नहीं देखा, सोबत रसूल नहीं उन्हें मिली, लेकिन फैजान रसूल उन तक पहुंचा। सालेहीन वो लोग हैं जिन्हें निगाह मुस्तफा ने इंतखाब कर लिया। और एक मौके पर अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया, मुझे कितना शौक है उन लोगों से मिलने का जो मेरे साथ इश्क करते हैं। सहाबा इकराम ने वादा ताला अलैहि व सल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो हमसे भी बढ़कर आपसे इश्क करते हैं? फरमाया, नहीं, बात यह कि तुमने तो मुझे देखा है और देख कर माना है। और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा नहीं, बिन देखे ही मुझसे इश्क करते हैं। ये जितने आप लोग बैठे हैं, हम जितने लोग इस दौर के लोग हैं, हमने देखा नहीं है लेकिन सरकार से इश्क करते हैं, सरकार से मोहब्बत करते हैं, सरकार के प्यार का झंडा उठाया है। ये जो बिन देखे सौदा है ना, इसकी बड़ी शान है, इसकी बड़ी कीमत है और इसको सरकार ने बड़ा पसंद किया है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तालुक के मोहब्बत जाहिर करने में बखीली नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी, सखी बन जाना है, सखावत करनी है कि अगर अजहार करने से, जाहिर करने से, जलूस निकालने से, जलसा करने से, कॉन्फ्रेंस करने से, मोहब्बत को पेश करने से, उनके नाम पर तन मन धन लगाने से अगर मेरा इश्क जाहिर होता है और दुनिया को पता चलता है कि 1400 साल गुजर गए, कमली वाले के प्यार में आज भी इनको बेकरार रखा हुआ है, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं, इससे बड़ी कोई शान नहीं, इससे बड़ा कोई मकार नहीं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। बंदा फरमाता है, आज मेरे दरबार में आने वाले मुझसे ये मांग कि मुझे सीधा रास्ता चाहिए। और फिर मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कितने इनाम याब का लोग हैं, यानी जिनके रास्ते बंदा ने सीधा रास्ता करार दिया है, ये सब इस मामले में मोहताज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और आपकी इमामत। आप वो हिस्से कुरान पढ़िए जिसमें अल्लाह फरमाता है, यासीन वल कुरान हकीम इन्नाका लमिनल मुस्तकीम है, उसका सबब यह है कि आप अला सिरात मुस्तकीम, क्योंकि आप आगे आगे हैं, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, तो आपकी वजह से ये सब सिरात मुस्तकीम पर है। अब ये चूंकि इंतजामी कुछ काम भी होता है, जरूरी होता है, चूंकि बिल्कुल जब अफ्तारी का टाइम आ जाता है तो ज़ाहिर है उस वक्त मसला बन जाता है, तो किताब पढ़ने का तो इस वक्त माहौल नहीं रहा। मेरा ख्याल है किताब को इस वक्त का नहीं रहा। अब सिर्फ मैं एक बड़ी मुख्तसर बात कहना चाहता हूँ, हम तो सीधे सीधे लोग हैं, फिर दीन का काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। मैं उस बाप का बेटा हूँ, उस आर्फ के बादशाह की औलाद हूँ जिन्हें पीर बनने के लिए कोई जुबा दस्तार पहनने की जरूरत नहीं।
उस घर में जो बच्चा पैदा हो जाता था, लोगों को भूत बनने के लिए लिबास बदलने पड़ते हैं, शक्लें बनानी पड़ सकते हैं। वहाँ जो पैदा हो जाए वो पैदाइशी हो जाए।